15 जून टाइम हो चुका है 7:30 शाम का। दोस्तों कनाडा में टाइम है इस समय सुबह के 10:02 का। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर और स्वागत है इसके अलावा आपका कनाडा की धरती पर मेरी पहली मॉर्निंग का। गुड मॉर्निंग दोस्तों। दोस्तों वैसे उठ तो बहुत जल्दी गए थे, 5:30 बजे लगभग मैं उठ गया था। और उसके बाद फ़ोन जैसे घर से आने शुरू हुए, घर पे बात हुई, और उसके बाद जो सामान हमने सारा छोड़ा हुआ था ऐसे ही सो गए थे क्योंकि थकावट थी लगभग 30 घंटे की। वो भी हमने फिर आज सुबह सामान सारा सेट किया, रूम अभी लगभग सेट हो चुका है। और ये मैं बाहर का आपको व्यू दिखा रहा हूँ, हमारी जो रूम की बैक साइड जहाँ पे हमने स्टे लिया है, बैक साइड से भी एक ही जैसे मकान बने हुए हैं यहाँ ब्रम्पटन में। सबका पैटर्न लगभग सेम ही है, एक ही साइज़ एक ही स्टाइल। दोस्तों नहाने के बाद हमने जाना था पहले मार्केट में, क्योंकि आज मौसम भी कुछ फोरकास्ट की रिपोर्ट के हिसाब से कि आज दोपहर को 2-3 बजे के बाद बारिश हो सकती है। लेकिन दो चीज़ें थी लेनी थी बहुत ज़रूरी, दूध नहीं था हमारे पास, चीनी भी नहीं थी, तो उसके लिए हमने साथ वाले रूम से पूछा कि मार्केट कहाँ पर है। उन्होंने मार्केट तो बताई लेकिन उसके बाद वो गए, उन्होंने वो खुद ही हमें दूध और चीनी का पैकेट ला के दे दिया। तो 1 लीटर का दूध और 2 किलो की चीनी का पैकेट ये उन्होंने मिला के दिया। अगर नहीं लेके आते तो हो सकता हम चाय हमारी लेट हो जाती, नाश्ता लेट होता, तो इसके लिए उनका बहुत बहुत थैंक्स। तो दोस्तों नाश्ता हो गया तैयार, अब हम करने लगे नाश्ता। और साथ में मसाला कमल जो बना के लाई थी घर से, और परोठे बना लिए थे, और साथ में चाय बन गई है। तो नाश्ता करते हैं, आओ नहीं नाश्ता करिए। हम निकले अभी इवनिंग वॉक पे, नाश्ता थोड़ा लेट हुआ था और खाने खाने की अभी कोई इच्छा नहीं है। वैसे खाना बन चुका है घर पे, बना चुकी है कमल, और अब थोड़ा निकले वॉक पे, इवनिंग वॉक पे। और ये बाहर की रोड जहाँ से हम कल आए थे, शाम का टाइम 4:30 बजे का, यहाँ पर सुंदर सुंदर घर बने। हाँ, बहुत सुंदर। ओ, बारिश बारिश जैसे माय गॉड बारिश स्टार्ट हो गई। दोस्तों आज है हमारा कनाडा में दूसरा दिन बाहर निकले आज, कल तो निकलने लगे तो निकलते निकलते बारिश हो गई और आज निकले हैं। आप देखो यार दोस्तों, सड़क में कोई बंदा ही नहीं है, कोई एक गाड़ियाँ निकलती हैं कभी कभी बस, एक एक टाइम भी यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है कि 1:16 है यहाँ पे अभी पीसफुल। और ये देखो बहुत ही सुंदर फ्लावर, बहुत बड़ा फ्लावर, बहुत ही अच्छा लग रहा है, बहुत सुंदर। घर के बाहर एक स्टैचू बना हुआ है, एक ये डॉगी का स्टैचू, और एक छोटा सा ये पानी का क्या बोलते हैं इसको, फाउंटेन फाउंटेन वाटर फाउंटेन। दोस्तों ये एक गैरेज है जो मैं दूर से आपको दिखा रहा हूँ। फर्स्ट आई टेक ए वीडियो। दोस्तों ये मैं आपको जो दिखा रहा था, ये गैरेज है एक पर्सन का, ये जो अंदर खड़े हैं, ये देखिए ये जो कार इन्होंने अभी, मैंने फ़ोटो भी लिए इसके साथ। तो ये कार जो है इनकी 43 ईयर्स ओल्ड है। दोस्तों गाड़ी को बैक से भी देख लेते हैं। व्हाट्स योर गुड नेम? यो व्हाट इज योर गुड नेम? मैथ्यू। मैथ्यू, ये है मिस्टर मैथ्यू जिनकी कार है, और जो अभी ये क्लीन कर रहे हैं, अभी पूरा इन्होंने यहाँ पे क्लीन किया है ये कार, और ये इनका गैरेज। You see this? I'm Christian. That's God's car. Wow. My great aunt told me they come Canada 100 years ago. 30 years. She was 92 in 1992. My great aunt. They came Canada 100 years ago. More 1914. No more motor like this. Cast iron motor. All cast iron, no aluminum. Mm. You understand aluminum? This is all cast iron, old school. First time I gotta clean it. Dust never sleep. The dust never sleep. Dust always going around, never sleep. और ये इन्होंने बताया ये टोटल कितना फर्क है बम्पर में? Metal, 1/8 thick. No plastic. No plastic. No plastic. Plastic. Garbage. El Camino. This is Spanish. That's called El Camino. El Camino. Yeah, that's the name of the car. So, dosto, ye hai Chevrolet El Camino. El Camino. That's the name of the car. Yeah.
थोड़ा सा अंदर से वो देखते हैं। तो दोस्तों मैथ्यू से मिलने के बाद हम और आगे बढ़ रहे हैं अपनी इस तरफ। ये हमारी वो वहाँ पर रोड है सीडर वुड जहाँ पे हमारा घर है, और हम जा रहे हैं अब इस तरफ दोबारा, देखते हैं कहाँ तक जाएंगे। मौसम बहुत ही अच्छा है, बहुत ही आउटस्टैंडिंग है। ये जा रहा मैथ्यू, बाय। और ये देखो बहुत सुंदर फ्लावर, ये हर घर के बाहर इतनी भर भर के गिन रही। घर के बाहर जो फ्लावर लगे हैं पूरा बंच लगा हुआ है, कितना अच्छा लगा है ना कमल। तो सब वो दूर जा रहे हैं, दो बच्चे साथ में, उनकी मदर है और वो यहाँ से निकले थे। और ये देखिए ये यहाँ पे है एक मोन्टेंसी स्कूल, आओ लंच करिए। दोस्तों आज है दूसरा दिन कनाडा का हमारा, और हमने आज पहले बाहर निकले, कल तो बारिश की वजह से नहीं जा पाए थे और आज हम बाहर निकले, और उसके बाद अब आके हम कर रहे हैं लंच। लंच में राजमा और परौंठा परौंठे और साथ में चाय और ये रेनू दीदी का अचार। दोस्तों 9:23 का टाइम हो रहा है इस समय मेरी घड़ी में, और ये देखिए अभी मौसम कितना साफ़ है, और ऐसा लग, और यहाँ पर 10 तक दोस्तों अंधेरा होना शुरू होता है और 10:30 तक पूरा अंधेरा हो जाता है। तो दोस्तों निकल पड़े हम वॉलमार्ट के लिए, वॉलमार्ट का मैप लगा लिया अर्षित ने, ये अर्षित गाड़ी चला रहा है हमारा, मम्मी पीछे बैठी है। वॉलमार्ट जो है ब्रॉम्पटन का है या मतलब कहाँ का है? मेन ब्रॉम्पटन का यही है बड़ा वॉल, काफी सारे इनमें से एक है। अच्छा तो दोस्तों वॉलमार्ट पहुंच चुके हैं, अर्षित ने गाड़ी पार्क अभी कर रहा हूं। बस हो गया बेटा, अब होगी गाड़ी पार्क हमारी, और हमने जाना हमारे सामने वॉलमार्ट शॉपिंग करेंगे। पहली बार हम कहीं जाएंगे शॉपिंग वगैरह करने के लिए हर्षी के साथ। तो 200 एंट्री कर ली हमने वॉलमार्ट पे, ये है सब लेज के पैकेट जो हमारे यहाँ भी होते हैं। ये स्टोर की तरह टमाटर भी बड़े बड़े हैं क्यों सिर्फ। अभी तक हम ले चुके हैं ओनियन, पोटैटो, ब्रेड और कुकिंग ऑयल, और अब लेनी हमने दही। दही कहाँ मिलेगी अक्षत? और दोस्तों ये डेयरी मिल्क चॉकलेट। दोस्तों वॉलमार्ट से निकल गए हैं, अब हम जा रहे हैं अपने घर की तरफ जहाँ हमारा स्टे है। तो उसके कहते हैं कि तीन चार चीज़ें रहेंगे, लेकिन हमने देखो ये कितना सारा सामान वहाँ जाके पता लगा, ये भी नहीं है, ये भी नहीं, ये भी लेना है, ये भी लेना है। तो सारा सामान हमने ये ग्रोसरी सारी परचेज कर ली। दोस्तों ग्रोसरी लेने के बाद फिर हमने साथ में डिनर किया, और मैं इस वीडियो को एंड करता हूँ। दोस्तों ये 2 दिन की वीडियो, और पहली वीडियो को भी आपने बहुत पसंद किया तो उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया, इससे मोटिवेशन मिलती है, आप देखते रहिए चैनल को। और मैं मिलता हूँ अब आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू।